नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें गेहूं में अब क्या करना चाहिए। गेहूं हमारा जिस स्थिति में है, अभी ठंड का जो मौसम चल रहा है, ये गेहूं के लिए बहुत ठीक है। पिछले दिनों हम देख रहे थे गेहूं के अंदर जड़ माहू रूट एफिड की प्रॉब्लम आ रही थी। गेहूं पीला पड़ रहा था, बैठ रहा था, कईयों के भारी पानी लग गया, तो इधर से जड़ माहू का अटैक था, ज़्यादा नमी का भी प्रभाव था, तो उसकी वजह से गेहूं हमारा पीला पड़ रहा था। अब चीज़ें ठीक होने लगी हैं। अभी भी जिन काश्तकारों के बहुत ज़्यादा जड़ माहू की प्रॉब्लम है, जड़ में ऊपर जो माहू अपने सरसों वरसों में लगता है, वैसा जड़ में यदि भूरे रंग का सा आपको दिखाई देता है, तो आप एक रस चूसक कीटों के लिए जो सिस्टेमिक अंतःप्रवाही दवाई आती है, उसका स्प्रे निकाल सकते हैं। जैसे जैसे इमिडा क्लोरपीड हो गई, इमिडा प्लस फिप्रोनील हो गई, जो थोड़ी महंगी आती है, तो इसका स्प्रे निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत कोई कोई पौधे में दिक्कत है, तो आप कुछ ना करें, क्योंकि तापमान कम हो गया है बहुत, तो अब ये जड़ माहू ज़्यादा गेहूं को परेशान करेगा नहीं। जिन काश्तकारों के गेहूं पीला पड़ गया जड़ माहू की वजह से, नमी खेत में ज़्यादा हो गई और गेहूं बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो इस रस चूसने वाली जो दवा है, इसके साथ में रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो दवा है, इसके साथ में आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब मिला सकते हो। क्योंकि जड़ बहुत ज़्यादा नमी में रही है, उसके अंदर फंगस लगी है, तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब मिला सकते हो। इसके अलावा आप गेहूं के अंदर, अभी ठीक चल रहा है, कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ एरिया में कहीं कहीं ये कुछ सैंपल आए हैं जिसमें इल्ली है गेहूं में, जो मक्का में आती है फॉल आर्मीवर्म, जो भविष्य में गेहूं में बड़ी चिंता की बात है, तो वो उसकी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो वहाँ आप सिर्फ इमामेक्टिन बेंजेट का स्प्रे करें और वो कंट्रोल हो जाएगी। कोई बहुत ही कम नामात्र की इल्ली दिख रही है तो आप स्प्रे ना करें, कोई कोई कीड़ा है तो रह जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा ये आप जो यूरिया वगैरह दे रहे हैं वो दें। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चैनल में आ गया है, गेहूँ डेढ़ महीने का है, यूरिया फेंक रहे हैं, उसके अंदर जिंक मिला रहे हैं। जिंक तो मिलाना ही है, फेंकना ही है। तो देखिए, ठीक है, आपने एक ट्रेंड सा बना रखा है, तो अब उसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जब तक आपके कोई विशेष अनुशंसा जिंक की नहीं है, तो ऐसे ब्लाइंडली आपको बस सब मिला रहे हैं, जिंक मिला के यूरिया में फेंकना, तो वो मुझे ज़्यादा उचित नहीं लगता। तो आप यूरिया दे रहे हैं एज पर शेड्यूल, आपकी जैसे ही आप पानी दे रहे हैं उसके साथ में यूरिया दीजिए, लेकिन ऐसे ही जिंक मिला रहे हैं, सब मिला रहे हैं, जिंक मिला रहे हैं, तो उसका कोई ज़्यादा मतलब ऐसे निकलता नहीं है। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपनी यूरिया वगैरह जो दे रहे हैं वो दें, और गेहूं में मतलब आप चाहते हो कि हाँ थोड़ा सा मज़ा आए, तो उसके लिए आप जो जल घुलनशील पोषक तत्व हैं, जैसे आप NPK 19-19-19 5 ग्राम प्रति लीटर, और उसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण किसी अच्छी कंपनी का लें और उसका स्प्रे करें। सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण में 6 न्यूट्रिएंट आते हैं, तो वो 6 न्यूट्रिएंट कम कम मात्रा में पौधे को मिल जाएं, तो उससे आपकी गेहूं में आपको आनंद आ जाएगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आदमी का मानस रहता है कि चलो लेबर फ्री है इस टाइम, और मैं कुछ कर देता हूँ क्या, एडिशनल थोड़ा सा यदि प्रयास करने से अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो ये जैसे अपन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर NPK 19-19 और सूक्ष्म पोषक तत्व का मिश्रण कर रहे हैं, तो ये कोई जहर नहीं है, ऊपर से हम पौधे को पोषक तत्व दे रहे हैं, और ठीक है, उससे उसकी बढ़वार और वो अच्छी होगी, तो इसमें कोई बहुत बुराई भी नहीं है। पर आपकी लेबर अवेलेबिलिटी और वो सब है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है। पर जब आपकी क्रॉप खासकर वो जो माहू को झेल के आई है या ज़्यादा नमी का स्ट्रेस झेल के आई है, तो ऐसे में यदि आप जल घुलनशील पोषक तत्व यदि देते हैं, तो मैं समझता हूँ वो कि आर्थिक दृष्टि से भी आपके फ़ायदेमंद हो सकता है। और विवाद के विषय अलग हैं, पर एक आपका ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे आप NPK 19-19 प्लान कर रहे हो, वहाँ आप कुछ ऐसा भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि नैनो यूरिया प्लस NPK 0:34 और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं है कि मैंने बता दिया और आपको करना ही है, आपके खेत की परिस्थिति बन रही है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। आप अपना ठंड में ध्यान रखें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएँ, ताकि उन भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।